हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 12 की फिजिक्स लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आप लोग को जो पढ़ाया था वो टॉपिक था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में मैंने आपको बता दिया था, यानी पीएन संध के बारे में मैंने आपको बता दिया था। मैं आशा करता हूं कि आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो उस टॉपिक में तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज मैं जो टॉपिक उठाऊंगा वो टॉपिक हमारा होगा एलईडी। देखिए इसमें कुछ और चीजें भी हैं, अर्धतरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, तो उनको हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर वो टॉपिक इन टॉपिकों को आप पढ़ लोगे तो जो वो टॉपिक है वह भी आपको खूब आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एलईडी के बारे में। आप लोग एलईडी से परिचित भी होंगे, एलईडी किसे कहते हैं। तो पहले हम एलईडी को बताने से पहले एलईडी की कुछ विशेषताएं बताते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग, अगर स्पेलिंग कुछ मिस्टेक होगा तो आप कवर कर लीजिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। और एलईडी की हिंदी जो होती है वह होती है लाइट इमिटिंग डायोड की जो हिंदी होती है वो होती है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। मतलब ऐसा डायोड जो क्या उत्सर्जित करे, जो प्रकाश को उत्सर्जित करे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और उसे हम शॉर्ट में जानते हैं एलईडी के नाम से। अब आप सोच रहे होंगे सर जी कौन सी एलईडी की बात कर रहे हैं, हम उसी एलईडी की बात कर रहे हैं जो आप अपने घरों में यूज करते हो। जैसे आप एलईडी बल्ब यूज करते हो, एलईडी टीवी भी, आज एलईडी जो आपकी टीवी आज समय आ रही है वह भी उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो हम बात करेंगे एलईडी की, तो पहले हम ये जानते हैं एलईडी होता क्या है। एलईडी कुछ फायदे भी हम जान लेते हैं, कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं। एलईडी को हम तुलना करते हैं सिंपल बल्ब से, एलईडी की हम तुलना, ये सब लास्ट में हेडिंग पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसमें मैं सोच रहा हूं कि इसको पहले बता दूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं एलईडी की तुलना आपको सिंपल बल्ब से कर दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए जो आप घरों में बल्ब यूज करते हो 100 वाट का, उनसे हम तुलना करते हैं। तो आपको पता है एलईडी जो होता है, पहली चीज एलईडी की लाइफ जो होती है ज्यादा होती है। जैसा आपको पता है एलईडी बल्ब आप लेने जाते हो तो 1 साल 2 साल की आपको वारंटी या गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो क्यों दी जाती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी दक्षता होती है, यानी इसके काम करने की क्षमता ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए गारंटी दी जाएगी। यानी कंपनी को भरोसा है कि यह जल्दी खराब नहीं होगा, इसलिए इसको क्या दिया जाता है, वारंटी या गारंटी दी जाती है। इज इट क्लियर। अब मैं बात करता हूं सिंपल बल्ब की, उस सिंपल बल्ब की लाइफ जो होती है एलईडी की तुलना में कम होती है, क्योंकि आप जानते हो 10 से 15 रुपए का जो 100 वाट का बल्ब आता है वह आपको पता है कभी कभी 1 महीने में चलता है, कभी कभी 2 दिन में भी खराब हो जाता है, कभी कभी 1 सेकंड में भी खराब हो जाता है बल्ब लगाने के तुरंत बाद, या और कभी कभी साल भर भी चल जाता है, यानी उसका कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, तो पहला फायदा क्या है, एलईडी की लाइफ ज्यादा है और इसकी लाइफ क्या है, कम है। एलईडी जो होता है काफी अच्छा प्रकाश देता है, मतलब श्वेत प्रकाश देता है, और जो आपका सिंपल बल्ब होता है यानी साधारण बल्ब जो होता है उसका प्रकाश जो होता है एलईडी की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। एलईडी जो होता है वह इको फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली मतलब पारिस्थितिकी का मित्र कहा जाता है। जैसे एलईडी बल्ब के जलने से आपके वायुमंडलीय तापमान या जहां पर एलईडी बल्ब जल रहा है उसके इर्द गिर्द के तापमान में कोई विशेष फर्क नहीं आता है। और अगर आप साधारण बल्ब जलता है, जैसे 100 वाट वाला बल्ब जलता है, तो आप देखते होंगे उसके जलने से क्या होता है, आसपास का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। जैसे आप अगर 100 वाट का बल्ब घर में जल रहा हो 2 घंटे लगातार जल जाए, तो अगर आप उसको टच करोगे तो टच करने में आपको काफी गर्मी महसूस होगी, मतलब आपका हाथ भी जल सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह काफी हीट होता है, लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता। एलईडी अगर 5 घंटे या 10 घंटे भी लगातार जल रहा है तो आप जलते हुए बल्ब को भी आप टच कर सकते हो, लेकिन आपका हाथ नहीं जलेगा। ऐसा तो आपने क्या देखा कि एलईडी जो है जलते वक्त ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं करता है, और सिंपल बल्ब जो होते हैं ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। एक फायदा ये हुआ।
एलईडी जो है और बहुत सारे फायदे आप एलईडी के बारे में बता सकते हैं। एलईडी की जो कंज्यूमिंग पावर होती है, मतलब जो खर्च होता है एलईडी की, जो बैटरी की एलईडी की जो कंज्यूमिंग पावर होती है काफी कम होती है, यानी एक कम वोल्ट पे भी काम कर लेता है। जैसे आपको पता है कम वोल्ट पे भी काम करता है, यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी शक्ति क्षमता कम होती है। जैसे आपको पता है 3 वाट की भी एलईडी आती है, 5 वाट की भी एलईडी आती है, 10 वाट की भी एलईडी आती है, और 10 वाट की एलईडी अगर आप ले लीजिए तो इतना ज्यादा उजाला होगा कि सिंपल एक हैलोजन को भी फेल कर सकता है। साधारण जो हैलोजन अगर होते हैं उनको भी 10 वाट की जो एलईडी होती है वो फेल कर सकती है, मतलब सोच लो। और जो आप यानी कि इसकी कंज्यूमिंग पावर कम है, लेकिन 100 वाट के बल्ब की जो होती है जो साधारण, उसकी कंज्यूमिंग पावर ज्यादा होती है, यानी उसकी बिजली की खपत ज्यादा होती है साधारण। पता है आपको 100 वाट का आप 10 बल्ब जलाएंगे, 100 वाट का 10 बल्ब जलाएंगे तो कितने वाट की खर्च आएगी, 1000 वाट का टोटल खर्च आएगा। लेकिन आप दो ही एलईडी 10 वाट का जला देंगे, सिर्फ दो ही एलईडी 10 वाट का जला देंगे, यानी 20 वाट खर्च में ही आपको इतना उजाला मिल सकता है। यानी आपने क्या देखा कि एलईडी की जो शक्ति होती है वो कम होती है और एलईडी की लाइफ ज्यादा होती है। तो तमाम चीजें हैं एलईडी के बारे में, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एलईडी का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, एलईडी क्या होता है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी क्या होती है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और हमने फायदे और नुकसान भी हमने बता दिए। एलईडी का बहुत व्यापक रूप में इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। जैसे आपको मैं कुछ चीजें बता दूं, देखिए आप कुछ सिद्धांत समझ लीजिए एलईडी का वास्तव में वास्तविक सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए हम समझते हैं एलईडी के बारे में। एलईडी बेटा एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, मेरी बात समझना, एलईडी एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह पीएन जंक्शन डायोड जो होता है बायसिंग बैटरी मतलब जो बैटरी लगती है, बायसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा को, किस कौन सी ऊर्जा को, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यानी विद्युतीय ऊर्जा को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में। तो पहले स्टेप को समझिए, एलईडी क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है, और यह पीएन जंक्शन डायोड जो होता है यह बायसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रकाशीय ऊर्जा में। अरे भाई क्या होता है एलईडी, काम क्या होता है एलईडी आज जो जलता है तो क्या होता है, प्रकाश ही उत्पन्न करता है। तो प्रकाश कैसे उत्पन्न करता है, यह प्रकाश क्या करता है, जो आपके घरों में करंट होती है उस करंट के विद्युतीय ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एलईडी ये कन्वर्ट कर देता है प्रकाशीय ऊर्जा में। तो आज के बाद ये जान लीजिएगा एलईडी को बनने में, जैसे आपको साधारण बल्ब कक्षा 10 में पढ़ाया गया होगा, उसमें बताया होगा टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं होता। ये साधारण पीएन संधि डायोड होता है जो बैटरी की विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है बैटरी की विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। तो अगर आपको एलईडी हेडिंग डाल लेंगे, एलईडी में लिखेंगे कि एलईडी एक ऐसी युक्ति होती है जो बायसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, और आप यह भी इसमें लिख सकते हैं एलईडी जो होती है यह अग्रदिशिक में काम करती है। किसमें काम करती है, अग्रदिशिक में काम करती है, ठीक है। पीएन संधि डायोड तो है ही, बताया है हमने एलईडी क्या होती है, पीएन संधि डायोड होती है जो अग्रदिशिक में काम करती है। चलिए आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए कुछ बातें हम और बताते हैं एलईडी के थोड़ी सी, उसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पे आएंगे, इसके हम कंस्ट्रक्शन कैसे, इसका निर्माण किस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं एलईडी कितने टाइप की हो सकती है। देखिए देखिए एलईडी जो है हो सकता है जो आपका प्रकाश एलईडी काम क्या, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। तो कुछ एलईडी ऐसी होती हैं जो प्रकाशीय ऊर्जा में बदलती है, अवरक्त प्रकाश में भी कुछ एलईडी क्या होती हैं, विद्युत ऊर्जा को बदल देती हैं। कुछ जो है आपकी कैसे होती हैं, कुछ जो है आपकी श्वेत प्रकाश में भी विद्युतीय ऊर्जा को बदलती है।
तो आपके घरों में जो एलईडी होती है वह विद्युतीय ऊर्जा किस में बदलती है, श्वेत प्रकाश में, तभी तो हमको दिखता है सब कुछ। और जो अवरक्त प्रकाश, जो एलईडी अवरक्त प्रकाश में किरणों को बदलती है, अवरक्त प्रकाश में जो एलईडी बदलती है उसका जल्दी इस्तेमाल जो होता है रिमोट सेंसर में किया जाता है। रिमोट में जो एलईडी, रिमोट में भी एलईडी लगे होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। एलईडी का उपयोग हमें बता भी दे रहा हूं, एलईडी का उपयोग भी जान लीजिए। एलईडी का उपयोग रिमोट में, एलईडी का उपयोग बल्ब मतलब कि विद्युत प्रकाश के उत्सर्जन में, एलईडी का उपयोग जो बेटा कैलकुलेटर की जो डिजिटल और डिजिटल होता ना कैलकुलेटर जो आप बटन चलाते हो वह भी एलईडी का ही इस्तेमाल किया जाता है, एलईडी का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहां देखिए, ये देखिए ये मोबाइल है, इस मोबाइल की जो ये फ्लैश अंदर में जो लाइट जल रही है, ये देखिए अभी तक अभी बंद था, ये मोबाइल जो जल रही है अंदर में भी एक छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं जो जिसके कारण ये फंक्शंस आपको दिखते हैं, क्लियर है। क्यों लगाया जाता है इसमें, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बताया है हमने एलईडी की कंज्यूमिंग पावर यानी शक्ति क्षमता कम होती है, जिस कारण इसको हम मोबाइल के डिजिटल पैनल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेटर के बटन में भी, कीपैड बटन जो होता है, कीपैड मोबाइल जो होती है उसका जो बटन जो जलता है ना, बटन एक दबाते हो थोड़ा उजाला होता है, उसके अंदर भी एलईडी बल्ब लगे होते हैं। आई होप आपको, और बहुत सारे यूज हैं, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अवरक्त प्रकाश। देखिए हमने बताया एलईडी जो है एक प्रकार की क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन क्या आपको पता है यह पीएन जंक्शन डायोड बनता किसका है? यह आप इसको आप जर्मेनियम का भी ले सकते हो, सिलिकॉन का भी पीएन जंक्शन डायोड ले सकते हो, लेकिन अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन से बना पीएन जंक्शन डायोड लोगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आप इससे क्या होगा, दृश्य प्रकाश मतलब दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने वाला एलईडी को आप नहीं बना पाओगे। क्या? दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने वाले एलईडी को आप नहीं बना पाओगे। कोई समस्या? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एलईडी को लेते हो और एलईडी को लेते वक्त आप सोच रहे हो कि कौन सा पीएन संधि डायोड जो ऐसा होगा जो दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन से बना पीएन संधि डायोड कभी भी दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि दृश्य प्रकाश के उत्सर्जन के लिए कम से कम आपको लगभग मान के चलिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होना चाहिए। कितना? कम से कम 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निषिद्ध ऊर्जा अंतराल होना चाहिए। किसका? जो पीएन संधि डायोड आपने यूज किया है एलईडी बनाने में। और आपको पता है जर्मेनियम का कितना होता है निषिद्ध ऊर्जा अंतराल? जर्मेनियम का निषिद्ध ऊर्जा अंतराल आपका होता है 0.75, कम है कि नहीं 1.2 से? ऐसे सिलिकॉन का होता है 1.12, यह भी कम है, ठीक है। इसको हम 1.3 के लगभग मान सकते हैं या शायद 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करीब होता है। मैं देख लूंगा डाटा, मैं बता दूंगा, एक जस्ट एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता दे रहा हूं कितना होता है। चलिए हमने बताया एलईडी का, देखिए जो दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने वाली, मेरी बात समझना, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगे आप नोट कर सकते हो। मैं टॉपिक को मैं अभी सही से इसे चालू भी नहीं किया हूं, लेकिन तभी मैंने आपको 10 से 15 मिनट से एलईडी की विशेषताएं, एलईडी के बारे में, एलईडी के फायदे, एलईडी के उपयोग मैंने बता दिया, ठीक है। दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने वाली जो एलईडी होती है उसमें जो पीएन संधि डायोड यूज किया जाता है बेटा, वह उसका निषिद्ध ऊर्जा अंतराल कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन, मैंने सही बताया था 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम क्यों नहीं यूज करते हैं दृश्य प्रकाश बनाने के लिए, किस दृश्य प्रकाश वाले एलईडी बल्ब में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सिलिकॉन का निषिद्ध ऊर्जा अंतराल जो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तथा जर्मेनियम का होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि क्या है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इसीलिए स्पेशलाइजेशन के लिए स्पेशल एलईडी बनाई गई जो दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जैसे आपके घरों में जो एलईडी लगी होती है उसके लिए स्पेशल बनाया गया। जो सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है वो होता है गैलियम, GAP, इसको बोलते हैं गैलियम फास्फाइड, नोट कर सकते हो, या GaAs, गैलियम आर्सेनाइड,
इसको बोलते हैं गैलियम फास्फाइड, इसको बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड। तो आपको जान लिए होंगे कि किस प्रकार के एलईडी का यूज किया जाता है, जिस प्रकार के लिए गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड से बने सेमीकंडक्टरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं संरचनाकरण, एक फिगर हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमने एलईडी का सिद्धांत जान लिया। एलईडी का सिद्धांत क्या था कि एलईडी एक ऐसी युक्ति होती है जो बायसिंग बैटरी की विद्युत ऊर्जा को किसे बदलती है, प्रकाश से ऊर्जा में बदलती है। एलईडी एक ऐसी युक्ति होती है जो एलईडी एक पीएन संधि डायोड होती है जो अग्रदिशिक में काम करती है। चलिए हम संरचना के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप में देख रहे होंगे ये एक पीएन संधि डायोड है, प्रतीक हमने बता ही दिया था, ये एक पीएन संधि डायोड है। इस पीएन संधि डायोड में ये देखिए, आप पीएन संधि डायोड में ये देखिए पी है, ये पी है, पीएन संधि डायोड का ये पी टर्मिनल है। पी टर्मिनल को हम क्या किए हैं, इस प्रतिरोध आर के द्वारा हम बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिए हैं और एन भाग को यानी एन वाले हिस्से को हम किससे जोड़ दिए हैं, बैटरी के रि टर्मिनल से जोड़ दिए हैं। और आपको हमने पढ़ाया भी है, अगर हम पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को धन टर्मिनल से और एन को रि टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इस प्रकार के बैटरी के कनेक्शन को अग्रदिशिक कहते हैं। तो हमने जो आपको सिद्धांत बताया कि एलईडी जो होती है वह किस दिशा में काम करती है, अग्रदिशिक में, वो सही है। यहां पर देखिए ये जो आर लगा है यह एक प्रतिरोध नहीं बेटा, ये क्या करती है, एक धारा सीमक की तरह काम करती है, यानी एक धारा नियंत्रक की तरह काम करती है। सपोज करिए अगर आपके घरों में करंट ज्यादा आ जाएगी तो करंट ज्यादा आने से क्या होगा, एलईडी खराब हो सकती है, जैसे सिंपल बल्ब खराब हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये जो धारा सीमक है, जब घरों में आपकी करंट ज्यादा आ जाएगी तो उस स्थिति में क्या करेगा, ये ज्यादा करंट को क्या करेगा एलईडी में प्रवाहित होने से बचा लेगा। मतलब समझ गए कि ये कंट्रोलर की तरह काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या करते हैं, धारा सीमक, यानी धारा को सीमा में रखता है, यानी कंट्रोल में रखता है, जिस वजह से एलईडी खराब नहीं होती और एलईडी जो होती है लंबे टाइम तक चल जाती है। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था कंस्ट्रक्शन के बारे में। और देखिए यहां पर कुछ चीज और जान लीजिए, ये जो एलईडी होता है, एलईडी बेटा जो होता है, ये एक पारदर्शी आवरण से क्या होता है, ढका होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर पारदर्शी आवरण से, इसलिए मान लीजिए पूरा आवरण ऐसे ढका होता है, ठीक है, इसलिए इसको पारदर्शी आवरण से ढक दिया जाता है, जिससे कि जब प्रकाश उत्सर्जित हो तो एक विशेष क्षेत्र से प्रकाश निकले, ना कि पूरे सब जगह से प्रकाश निकले। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया था, पारदर्शी आवरण से ढक दिया था। ये तो एक हमको अंदर का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, वास्तव में एलईडी का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं बाहर से कैसा होता है, एकदम लाइक बल्ब होता है। ठीक है, लाइक क्या होता है, बल्ब होता है, और जो बल्ब से आगे जहां से प्रकाश निकलता है ना, तो वहीं पर पीएन जंक्शन डायोड होता है, फोड़ के कभी मत देखना। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। कोई समस्या, यहां तक समझ में आ गई बात, संरचना आप समझ गए होंगे। चलिए हम तुरंत बात करते हैं कार्यविधि की। देखिए, जब एलईडी को कार्यविधि आदि वर्किंग समझ लेते हैं, वर्किंग में ज्यादा कोई झमेला नहीं है। देखिए, जब एलईडी को अग्रदिशिक किया जाता है बेटा, तो अग्रदिशिक करने से क्या होता है आपको पता है, पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संधि को आर पार करने लगते हैं। और संधि को जब आर पार करेंगे तो संधि को आर पार जब ये क्वार्टर इलेक्ट्रॉन करेंगे तो इनका संयोग होगा, और संयोग के साथ ये आपस में विलुप्त भी होंगे। ठीक है, विलुप्त भी होंगे, जिस कारण होगा संधि के समीप, ऐसे पीएन संधि डायोड बना था, मैं इस स्ट्रक्चर को यहां समझा दे रहा हूं। तो जब क्वार्टरों और इलेक्ट्रॉनों का संयोग चलता रहता है तो संधि के समीप क्या होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण बढ़ जाता है, और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण एक समय इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, ये जो संधि के समीप जो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण बढ़ता है, ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहकों से क्या करते हैं, संयोग करने लगते हैं, और संयोग जब करते हैं तो ये संयोग के फलस्वरूप क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, और वही ऊर्जा जो होती है हमको
दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश या जो भी टाइप का एलईडी बनाए हो उसी रूप में हमको मिलती है। तो यह थी आपकी एलईडी की कार्यविधि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज हमने बता दिया, एलईडी जो होती है सिर्फ दृश्य प्रकाश वाली एलईडी अगर आपको चाहिए तो गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड से बने सेमीकंडक्टर का प्रयोग करना होगा। यूजर जान लीजिए, बर्गलर अलार्म, चोर सूचक घंटी, बर्गलर अलार्म उपयोग जान लीजिए, एलईडी का उपयोग क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। बर्गलर अलार्म, चोर सूचक घंटी एलईडी के उपयोग से बनाई जाती है। इसका उपयोग प्रकाशीय कंप्यूटर मेमोरी में भी किया जाता है। कंप्यूटर तथा कैलकुलेटर के जो डिजिटल बटन जो बटन होते हैं उनमें भी एलईडी बल्ब का यूज किया जाता है। और एक चीज जान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी के दिमाग में होगा कि एलईडी अगर अग्रदिशिक में काम कर रही है सर जी, तो क्या एलईडी पश्च दिशिक में काम नहीं कर सकती? तो बिल्कुल नहीं काम करेगी। अगर एलईडी को आप पश्च दिशिक में काम करने का प्रयास कराओगे तो आपकी एलईडी जो होगी वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी। क्षतिग्रस्त कहने का मतलब ये क्या हो जाएगी, एलईडी खराब हो जाएगी और आपके फिर किसी भी काम लायक नहीं रहेगी। इसलिए एलईडी किस दिशिक में बनी है, एलईडी बनी आपकी अग्रदिशिक में। एक नंबर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी एग्जाम में एलईडी क्या होता है, तो आप पहला काम करेंगे एलईडी का फुल फॉर्म लिखेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में लिखेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और बताएंगे एलईडी एक ऐसी युक्ति है जो बायसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा को किससे बदलती है, प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। बस एक नंबर का काम खत्म हो गया। अगर दो नंबर में पूछा जाएगा तो आप चित्र वगैरह, उपयोग वगैरह, जैसे भी क्वेश्चन बनेगा आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। और जो भी मैंने फैक्ट बताए उन फैक्टों को भी आप चाहो तो एग्जाम में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको समझ में आ गया। हमने पीएन सन डायोड का प्रतीक क्या बताया था, हमने पीएन सन डायोड का प्रतीक बताया था इस तरीके से तीर नुमा बताया था। इसको हमने पी लिखा था, इसको हमने एन लिखा था, यहां लिखा था एनोड, यहां लिखा था एनोड, और यहां लिखा था कैथोड, यहां का लिखा था कैथोड। ठीक है, अगर यहीं से ऐसे प्रकाश निकलेगी, ऐसे प्रकाश निकाल दो इस तरीके से, ये प्रकाश है, एच न्यू क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा होता है, ई बराबर एच न्यू। अगर यहां से ऐसे प्रकाश निकल जाएगा यही एलईडी का प्रतीक हो जाएगा। तो आप हेडिंग डाल सकते हो या नोट कर सकते हो एलईडी का प्रतीक, और ये फिगर आप बना लीजिए, यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड, ये पीएन, यहाँ से प्रकाश ऊर्जा निकल रही है। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में आपको यही कहूंगा, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मेरे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों। और जिनके घरों में 10th क्लास के बच्चे हों वह भी वीडियो को आनंद ले सकते हैं। 10th, 11th, 12th कंटिन्यूस वीडियो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ाई रहा हूं, जब 10th का कोर्स में फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। आई होप आप लोग हमसे बने रहिए, दूसरे तीसरे दिन किसी हर क्लास की वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, और आप वीडियो को पढ़ते रहिए अच्छे से। मैंने आज एक टॉपिक एलईडी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। किसी को कोई डाउट होगा, आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए फायदा है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे राजस्थान बोर्ड के हो, चाहे जिस बोर्ड के भी हो, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसका फायदा आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।